कानपुर की रसोई में आज हम आपको बहुत ही सरल तरीके से मक्के की रोटी, पूड़ी, पराठा, बहुत लोग हैं मक्के के आटे से नहीं बना पाते, ये प्योर आटा है, इसमें मैंने गेहूं का बिल्कुल भी आटा नहीं मिलाया हुआ है, आपको हम बहुत ही इजी ढंग से आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमने पता है क्या किया है, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, ये मेरा ये दो बाउल ये मैंने मक्के का आटा लिया, आप इतने इजी ढंग से बताएंगे, आप बनाए आप बहुत अच्छे से बना लेंगे, बहुत लोग डरते हैं नहीं बना पाते हैं। ये दो बाउल है आटा, तो मैंने दो बाउल ये पानी डाला इसमें, थोड़ा सा थोड़ा कम था इसलिए मैंने ये दो बाउल पूरा भर के ये पानी मैंने चढ़ा दिया। इसमें क्या करना है, मैंने ये जो मक्का का आटा होता है ये ठंडा होता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन क्रश करके डाल दी है और ज़्यादा नमक नहीं डाली है, बस थोड़ा सा मैंने दो कटोरी के हिसाब से थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा खोलने लगे, गर्म होने लगेगा, पानी बॉयल होने लगा है, अब इसमें ही है सारा ये मैंने आटा इसमें डाल दिया। और ये इसमें हम बहुत इसको जल्दी चलाइए जिसमें इसमें गांठ ना पड़े, और इसको हमने गैस को सिम में कर दिया, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखिए। ये देखिए और इसमें घी वगैरह ऑयल वगैरह कुछ भी मैंने नहीं डाला है। अब इसको हमने गैस को बंद करके इसको दो मिनट के लिए हमने ढक के रख दिया, ये हमारे दो मिनट हो गए हैं। बस थोड़ा ये ध्यान रखिएगा इसमें कोई इसको इकट्ठा करके हम इसमें सब शिफ्ट कर लेंगे। आप रोज बनाइए, बहुत लोग डर की वजह से भी नहीं बना पाते हैं कि हमारे पराठा पूड़ी जो रोटी वगैरह हम बना रहे हैं वो हमारे सही नहीं बनते और वो फट जाते हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर इसको हम गूंथते हैं, तो ठंडा होने लगा है। अब ये हमने ज़रा सा ये देसी घी लिया, आप चाहे तो रिफाइंड जो भी यूज़ करें, और इसको हम अभी ये गरम भी है थोड़ा सा और वो हो जाए ठंडा, देखिए अभी भी ये गरम है लेकिन फिर भी इसको आप भूनना शुरू कर दीजिए। जितने अच्छे से गूंदेंगे उतनी ही चिकनी इसमें और बहुत ही सॉफ्ट बनता है, आप खा के देखिएगा। ज़रा सा आप कभी से थोड़ा सा घी लगा लीजिए, देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया। देखिए आप इसको अपने हिसाब से पूड़ी बनाइए तो छोटे बनाइए, पराठा बनाइए तो थोड़े वैसे मीडियम साइज में। ये देखिए हमने इसका हम आपको सबसे पहले आज पराठे बनाना, ये मैंने थोड़ा सा ये सूखा आटा रखा हुआ है, बस ज़्यादा परथन भी नहीं लगाइए, एक बार आप लगा लीजिए और ये चपकता भी नहीं है। इसको आप साइड से
ये मैंने तवा चढ़ा दिया है। दूसरा बेलना, आप जैसे थोड़ा ये फट रहा, जैसे ये थोड़ा सा वो हुआ तो आप इसको और थोड़ा चलाइए, इसको आप जितना अच्छे से घुमाएंगे, जितना अच्छे से करेंगे फिर ये फटना बंद हो जाएगा। आप बेल बेल कर रख भी सकते हैं, ज़्यादा से लोग हैं। आप जितने पतले चाहे उतने आप इसको आराम से बेल सकते हैं। आप वैसे बनाइए, कभी भी नहीं इतने पतले बनेंगे आपके। इसी तरीके से आप बेल के रोटियां भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आप इनको टमाटर आलू की सब्जी, दही और आप ये बड़े आराम से अचार अचार के साथ भी, सफ़र में भी आप ले जा सकते हैं। ये देखिए हमारा सिक्का तैयार हो गया है। देसी घी की वजह से इतना इसमें धुआं आता है, आप चाहे तो रिफाइंड से भी इसको बना सकते हैं। इसको हम निकाल के इसके ऊपर रख देंगे जिससे ये सी लेना, और ये हमने डाल दिया। इसको अब हम आपको, इससे आपको रोटी भी बनाना बताएंगे, दो पराठे और दो रोटियां बताएंगे। आप इसी तरीके से पूड़ियां भी सेक सकते हैं। ये देखिए कैसे आराम से ये फूल रहे हैं। आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम सिर्फ मक्के के आटे से, अच्छा बहुत लोग बनाते हैं उसमें ये आप गेहूं का आटा मिला लेते हैं, लेकिन नहीं, आप इस तरह से बनाएंगे आप बहुत जल्दी और अच्छे से बना लेंगे। देखिए ये भी मेरा पराठा बनके तैयार हो गया। अब आपको हम रोटी बताते हैं कैसे बनानी है। जैसे सरसों की सब्जी बनाई है तो आप उसके साथ में मक्के की रोटी ही अच्छी लगती है सरसों की सब्जी में। ये रोटी हम बना रहे हैं, देखिए पराठा थोड़े बड़े बनते हैं और रोटियां थोड़ी छोटी बनाई जाती हैं। अब ये हमने इस पर रख दिया, इसी तरह हमने इसको दूसरी रोटी को भी डाल दिया। आप इसको डायरेक्ट भी सेक सकते हैं, आपके पास ये नहीं है सेकने वाला तो आप इसमें भी। हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है, आप इसमें बटर का प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे सॉफ्ट पराठे हैं, आप इसको टमाटर आलू के साथ बनाइए। आप कहेंगे आपने दो चीज़ क्यों बना के दिखाई, तो हमने इसलिए दिखाया क्योंकि हम ये बताना चाहते थे आप इससे पूड़ी पराठा इस तरीके सब कुछ बना सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास सरसों की सब्जी रखी थी और ये मैंने बटर डाल के, अब आप इसको देखिए कितनी सॉफ्ट है, आप इसको खाइए और खिलाइए। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कानपुर की रसोई में आपको हम बहुत ही जल्दी नई रेसिपी लाकर दिखाएंगे। धन्यवाद।